मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आई है बरसात और जो एक कविता है। आई है बरसात कविता शुभेंदु ठाकुर ने लिखी है। इसके कवि कौन हैं? शुभेंदु ठाकुर। इन्होंने बरसात के मौसम के बारे में बताया है। बच्चों, हमारे देश में अनेक ऋतुएं हैं, उनमें से एक है वर्षा ऋतु, और आज ये कविता उस वर्षा ऋतु के बारे में ही है। अभी वर्षा ऋतु का मौसम कैसा होता है, बच्चों को कितना सुहावना लगता है ये मौसम। प्रचंड गर्मी के वजह तेज गर्मी के बाद ऋतुओं की रानी कौन सी? वर्षा की रिमझिम फुहारे समस्त प्राणियों एवं वनस्पतियों में नव जीवन का संचार करते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु के आने पर समस्त यानी कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी क्या अपने आप में खुशियां पैदा करते हैं, यानी कि अपने आप खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक नया जीवन मिलता है। वर्षा ऋतु के आगमन से यानी कि वर्षा ऋतु के आने से जीव जंतु तथा सभी प्राणी आनंदित हो उठते यानी कि खुशी से झूम उठते हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य है वो वर्षा ऋतु के कारण ही निखर उठता है, यानी कि उसमें और सौंदर्य आ जाता है, उसमें और सुंदरता आ जाती है। मनमोहक इस दृश्य को देखकर, इस वर्षा ऋतु के रूप को देखकर हमारा जो हृदय है वो क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है, यानी कि ठंडक पड़ जाती है। तो आज की ये कविता है, कविता देखो। रिमझिम गीत सुनाती आई है बरसात, जो ये बरसात की ऋतु आई है, वर्षा ऋतु आई है, वो अपने आप में एक गीत लेकर आई है और वो गीत हमें सुना रही है। रिमझिम रिमझिम, यानी वर्षा ऋतु कौन सा गीत सुना रही है? रिमझिम रिमझिम। आतप का अवसान हो गया तरु पल्लव की भुजी पिपाशा। आतप यानी कि जो गर्मी है वो क्या हो गई है? समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है, और अब क्या आ गई है? वर्षा ऋतु आ गई। यानी वर्षा ऋतु के आने से जो गर्मी की ऋतु है वो चली गई है, यानी समाप्त हो गई है। तरु पल्लव यानी कि पेड़ पौधे की भुजी पिपासा, यानी कि उनकी जो प्यास थी वो बुझ गई है। पेड़ पौधों पर हरे हरे नए नए पत्तों ने क्या ले लिया है? जन्म ले लिया, यानी कि नए पेड़ पौधों से नए पत्ते निकल आए हैं, और नए पत्तों के निकलने के कारण ही उनकी जो मुरझाई हुई प्यास थी वो आज मिट चुकी है। जीव जंतु प्रमुदित हो झूमे, आज मिट गई सभी निराशा। जीव जंतु, इस संसार में जितने भी जीव जंतु है वो सब वर्षा ऋतु के आगमन से, वर्षा ऋतु के आने से झूम उठे हैं, नाचने लगे हैं। उनके मन में जितनी भी निराशाएं थी वो सब क्या हो गई? समाप्त हो गई है। दादुर की जंकार छेड़ती आई है अब रात, रिमझिम रिमझिम गीत सुनाती आई है बरसात। वर्षा ऋतु के आने से ही, वर्षा ऋतु का जो गीत है रिमझिम रिमझिम, उसके आने से ही जो दादुर यानी कि मेंढक है उन्होंने भी अपनी राग छेड़ ली है। वो रात में अब क्या करने लगे हैं? बहुत ही तेज आवाज़ में बोलने लगे हैं, यानी कि उनकी आवाज़ भी उनका गीत भी बहुत ही तेज हो गया है। किस कारण? वर्षा ऋतु के कारण। इंद्रधनुष तन गया गगन में सप्त रंग के वस्त्र पहनकर। वर्षा ऋतु के बाद जब आकाश में आसमान में क्या दिखाई दिया? इंद्रधनुष, जिसके कितने रंग होते हैं? जिसमें 7 रंग होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उस इंद्रधनुष ने 7 रंगों के वस्त्र पहन रखे हो। लगे बजाने मेघ नगाड़े बिजली चमके मचल मचल कर। वर्षा ऋतु के आने से ही बादलों में क्या होने लगी है? गर्जना होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि बादलों की जो गर्जना है वो बहुत ही तेज जोर से क्या बज रही है? नगाड़े बज रहे हैं। जिस प्रकार नगाड़ों की आवाज़ आती है, ढोलक की आवाज़ आती है, उसी प्रकार उन बादलों की गर्जना की आवाज़ आ रही है, और उसी के साथ साथ आकाश में आसमान में क्या चमक रही है? बिजली भी चमकती हुई दिखाई दे रही है। सरिता के होठों पर केवल आज एक ही बात, रिमझिम रिमझिम गीत सुनाती आई है बरसात। सरिता नदी, क्योंकि नदी भी आज क्या हो चुकी है? खुश से झूम उठी है, खुशी से नाच रही है, क्योंकि उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई है। क्यों? क्योंकि
नदी है जो उस वर्षा ऋतु के पानी से उस वर्षा के पानी से लबालब भर चुकी है, यानी कि नदियाँ झरने जो भी हैं वो वर्षा के पानी से भर चुके हैं, और भरने के बाद उनके जो लहरें इतनी उठ रही हैं कि वो अपने आप में खुश नज़र आ रही है। टिम टिम करते जुगनू घूमे झिंगुर छेरे मन की वीणा। जुगनू अब वर्षा ऋतु के आगमन में ही क्या आते हैं रात को, जुगनू जो कि ऐसे चमक रहे हैं जैसे ऐसे मन लग रहा है मानो लाइटें जग रही हो, यानी चारों तरफ बिजली की रोशनी लिए वो जुगनू चारों तरफ घूम रहे हैं। झिंगुर छेरे मन की वीणा, जो भंवरे होते हैं वो भी क्या हो रहे, उन्होंने भी अपने मन के तार छेड़ लिए और वो भी कोई ना कोई गीत गा रहे हैं। लगा नाचने मोर ठुमक कर भूल गया निज उड़ की पीड़ा। अब वर्षा ऋतु को देखकर कौन सा पक्षी नाचता है, मोर, जो कि वर्षा ऋतु यानी कि बादलों को देखकर ही जान जाता है कि बारिश आने वाली है और उन बादलों को देखकर ही वो नाचने लग जाता है। इस प्रकार लगा नाचने मोर ठुमक कर यानी कि वर्षा ऋतु के आगमन से ही जो मोर के हृदय में जो पीड़ा थी जो दर्द था वो उसका दर्द वर्षा ऋतु के आने से दूर हो गया और उस दर्द को भुलाकर वो नाचने लगा है। आज पपीहा मांगे अपने स्वाति की सौगात, रिमझिम रिमझिम गीत सुनाती आई है बरसात। बच्चों पपीहा एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ वर्षा ऋतु के पानी पर ही रहता है, यानी कि वो किसी और का पानी न पीकर सिर्फ वर्षा ऋतु का पानी ही ग्रहण करता है, यानी कि उस एक बूंद के लिए ही वो तरसता रहता है। और आज वर्षा ऋतु के आगमन से वर्षा ऋतु से उसकी जो प्यास है वो भी बुझ चुकी है। रिम झिम गीत सुनाती आई है बरसात, जो वर्षा ऋतु है वो अपने साथ रिम झिम वाला गीत लेकर आ रही है। सावन की जब पड़े फुहारे तन पुलकित मन हर्षित होता। जब सावन का महीना लगे, वर्षा ऋतु में ही कौन सा महीना लगता है, सावन का महीना लगता है, और जब सावन का महीना लगता है तो मन हमारा बहुत ही खुशी से झूम उठता है, नाचने लगता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, कहीं गर्मी का नामो निशान नहीं होता। गर्मी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, चारों तरफ ठंडा वातावरण शीतल वातावरण होता है जो कि हमारे मन को छू जाता है। धरती पहने हरित चुनरी और गगन है धीरज खोता। वर्षा ऋतु के आगमन से ही क्या हुआ, ये जो धरती है वो क्या हो गई है, हरी भरी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे धरती माता ने हरे रंग की चुनरी ओढ़ रखी हो। और गगन है धीरज खोता, और जो आसमान है उसने तो अपना धैर्य ही खो दिया है, क्योंकि वो लबालब वर्षा ऋतु में इतना तेज गरज रहा है, इतना तेज बरस रहा है कि उसने अपना धैर्य भी खो लिया है कि वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नदियाँ उछले सरोवर डोले झरझर झरे प्रताप, रिमझिम गीत सुनाती आई है बरसात। वर्षा के जल के कारण ही क्या हो रही है, नदियाँ उछल रही है, यानी कि नदियों का जो पानी है जो लहरें हैं वो बहुत ही ऊपर तक उछल रहा है। सरोवर यानी कि सरोवर डोल रहे हैं, यानी कि सरोवर भी लबालब भरे हुए हैं और वो इधर उधर उनका जो पानी है वो लहर की गोते खाकर इधर उधर घूम रहा है। झरझर झरे प्रताप कि जो झरने हैं वो भी झर रहे हैं है। रिमझिम गीत सुनाती आई है बरसात, जो ये वर्षा ऋतु है वो अपने साथ रिमझिम वाला गीत लेकर आ गई है, और हम सभी का मन बहलाने के लिए वो ऐसा गीत गा रही है। बच्चों ये थी वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु सिर्फ बच्चों को ही नहीं सभी को प्यारी होती है। बच्चे तो क्या है, वर्षा के जल में वर्षा आने पर नहाने का कार्यक्रम पहले ही बना लेते हैं, भी वर्षा आने पर हम क्या करेंगे, नहाएंगे, जिससे हमारी जो गर्मी है वो दूर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा बच्चे ही इस वर्षा ऋतु को देखकर क्या होते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, मोर की तरह नाचने लगते हैं। तो ये थी वर्षा ऋतु। इसके अलावा अन्य और भी ऋतु हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, गर्मी सर्दी वर्षा आदि ऐसी बहुत सी ऋतु हमारे देश में है। धन्यवाद।